बातों को डिस्कस करेंगे, जिन जिन टॉपिक पे हमारी डिस्कशन होगी इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करूंगी। सबसे पहले आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि रूह और जिस्म का आखिर आपस में ताल्लुक है, अगर वो ताल्लुक है तो वो ताल्लुक क्या है, और आप अपनी रूहानी सेहत को फोकस करके अपनी जिस्मानी सेहत को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। इस टॉपिक में हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज साहिबा। बाद में हम बात करेंगे मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, प्राइस कंट्रोल कमेटीज का इस हवाले से क्या रोल है, इस पर बातचीत की जाएगी, और सनअती तरक्की के लिए पंजाब में क्या इकदाम किए जा रहे हैं। इस डिस्कशन में हमें ज्वाइन करेंगे मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज पंजाब चौधरी शफीक साहब, और बाद में बात होगी तहरीक इंसाफ का धरना दिया जा रहा है 22 दिसंबर को लाहौर में। आया कि ये धरनों की जो एक सिलसिला शुरू हो गया है, ये वाकई धरने हैं या हुकूमत मुखालिफ तहरीकों का एक सिलसिला शुरू हो गया है। इसमें हमें ज्वाइन करेंगे अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली में मियां महमूदुर रशीद साहब, और बाद में हमेशा की तरह बात होगी आपका हफ्ता कैसा रहेगा, सितारों की चारों किस्मत के हाल के हवाले से हमें ज्वाइन करेंगी एस्ट्रोलॉजर सामिया खान। तो शगुफ्ता साहब से डिस्कशन का आगाज करते हैं। डॉक्टर साहब ठीक ठाक बिल्कुल। अच्छा, रूहानियत, रूहानियत तो नहीं, बेसिकली रूहानी सेहत और जिस्मानी सेहत, रूह और जिस्म का आखिर ताल्लुक क्या है, इसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? देखिए, इंसानी जो जिस्म है उसके तीन हिस्से हैं। हम आम तौर पे सुनते हैं कि जिस्म, जहन और रूह, या अगर हम, मैं थोड़ी सी साइंस की टर्म्स में उसकी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूं तो हम उसको शऊर कहते हैं, लाशऊर कहते हैं, और तहतुल शऊर, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस कहते हैं। अच्छा, अब इस तरह है कि मैं एक, आपको यहाँ पे मुझे एक रेफरेंस याद आ रहा है, मैं एक कॉन्फ्रेंस में थी हवाई में, वहाँ एक डॉक्टर डेव थे, उनका एक लेक्चर का एक मुझे हिस्सा इस वक्त याद आ रहा है। उन्होंने ये कहा कि इंसानी जिस्म जो है वो 95%, हो सकता है किसी और साइंटिस्ट का राय थोड़ी सी फर्क हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो इंसानी जिस्म 95% है वो तो कंट्रोल ही जहन और रूह से होता है, सिर्फ 5% कंट्रोल जो है वो अल्लाह ने आपके हाथ में दिया हुआ है, या शऊरी कंट्रोल है। ठीक है, अब आप पहले तो ये अंदाजा लगाइए कि जहन और जिस्म की अहमियत कितनी है, जो कि 95% है, और किस कदर वो हमारी हर किस्म की सेहत और हमारी मुकम्मल जिंदगी को अफेक्ट कर रहा है, जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। दूसरी तरफ एक बात ये मैंने वहीं पे सुनी थी कि जो जहन